तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि यार बहुत ही जल्दी दिवाली आने वाली है और ना आप में से बहुत सारे मेरे भाई बहुत ही जल्दी नई बाइक परचेज करने का सोच रहे हो दिवाली के मौके पर। तो ना दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया बाइक्स बताने वाला हूँ जो कि आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास के एक्शनरूम प्राइस पर इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाती है। और ना ये सभी जो बाइक्स है वो भी हाल ही में लॉन्च हुई है और काफी बढ़िया बढ़िया फीचर आपको इन सभी बाइक्स में देखने को मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो यार चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं हमारी लिस्ट की पहली बाइक के बारे में। तो यार वो बाइक होने वाली है पल्सर N160 और यहाँ पर इस बाइक का जो एक्सरूम प्राइस है वो है दोस्तों 1,39,000 के आसपास। और यहाँ पर इस बाइक के नए नए अपडेट के बारे में अगर बात की जाए तो नए साल आपको USD फॉक्स सस्पेंशन आपको बाइक में देखने को मिलते हैं, न्यू ग्राफिक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो बाइक के इंडिकेटर थे वो आपको इस बार देखने को मिलेंगे LED में। इसके अलावा यहाँ पर आपको कंसोल में ABS के 3 मोड आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों जो यहाँ पर बाइक का ओवरऑल लुक है वो काफी शानदार है। और यहाँ पर बात करते हैं बाइक के इंजन के बारे में, तो यहाँ पर आपको इस बाइक में ऑफर किया हुआ है 164.8 cc सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड इंजन। और ये जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 16 PS के आसपास की मैक्सिमम पावर और आपको उस बाइक से 14.6 न्यूटन मीटर के आसपास का मैक्सिमम टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इस बाइक में दिया हुआ है 5-speed गियरबॉक्स। और बात करते हैं बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में, तो यहाँ पर 14 लीटर का बाइक में फ्यूल टैंक यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा बात की जाए बाइक से मिलने वाली माइलेज की, तो ना आपको इस बाइक से 40 से लेके 45 किलोमीटर पर लीटर के जो माइलेज है वो आपको देखने को मिलेगी। और जो बाइक की टॉप स्पीड है वो दोस्तों 125 किलोमीटर पर आवर के आसपास की है। तो यहाँ पर बात करते हैं हमारी लिस्ट की सेकंड बाइक के बारे में, तो यार वो बाइक होने वाली है यामा FZS V4 का नया आइस फ्लू वर्मिलियन कलर। तो यहाँ पर दोस्तों इस कलर को भी हाल ही में लॉन्च किया, बाकी जो इस कलर के लुक है वो दोस्तों काफी प्यारी है। और यहाँ पर इस बाइक के एक्सरूम प्राइस के बारे में अगर बात की जाए तो 1,30,000 के आसपास का फिलहाल इस बाइक का भी एक्सरूम प्राइस चल रहा है। और इसके अलावा ये जो बाइक है वो हमें टोटल 6 अलग अलग कलर्स में देखने को मिल जाते हैं, जिसका लुक दोस्तों काफी बढ़िया है। बाकी इस बाइक के इंजन के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर 149 cc सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन इस बाइक में ऑफर किया हुआ है, जो कि दोस्तों प्रोड्यूस करता है 12.4 PS के आसपास की मैक्सिमम पावर और आपको उस बाइक से 13.3 न्यूटन मीटर के आसपास का मैक्सिमम टॉर्क आपको देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों फीचर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS, डिजिटल कंसोल और यहाँ पर आपको काफी रिफाइन इंजन इस बाइक में देखने को मिलता है, जिससे आपको दोस्तों आसानी से 45 से लेके 50 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज मिलती है। और जो बाइक की टॉप स्पीड है वो दोस्तों 115 किलोमीटर पर आवर के आसपास की है। यहाँ पर बात करते हैं हमारी लिस्ट की थर्ड बाइक के बारे में, तो यार वो बाइक होने वाली है TVS अपाची RTR 164V का नया मॉडल। तो यहाँ पर मैट ब्लू कलर में इस बाइक को भी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जहाँ पर इस बाइक में ड्यूल चैनल ABS में देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं इस बाइक के एक्शनरूम प्राइस के बारे में, तो इस बाइक का 1,38,600 रुपीज के आसपास का फिलहाल अभी दिल्ली में एक्शनरूम प्राइस चल रहा है। इसके अलावा इस बाइक के इंजन के बारे में अगर बात की जाए ना, तो यहाँ पर 159.7 cc सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ऑयल कूल्ड इंजन इस बाइक में ऑफर किया हुआ है। और ये जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 15.6 PS की मैक्सिमम पावर और आपको 14.1 न्यूटन मीटर के आसपास का मैक्सिमम टॉर्क आपको बाइक से देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर गाइस इस बाइक में राइडिंग मोड भी दिए गए हैं और यहाँ पर जो बाइक का कंसोल है यहाँ पर कुछ इस तरह का है। बाकी आपको इस बाइक का ओवरऑल लुक कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके शेयर कीजिएगा। और बात करते हैं इस बाइक की माइलेज के बारे में, तो ना आपको इस बाइक से अप्रोक्सीमेटली 40 से लेके 45 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की जो माइलेज है वो देखने को मिलेगी। और जो बाइक की टॉप स्पीड है वो दोस्तों 120 किलोमीटर पर आवर के आसपास की है। यहाँ पर बात करते हैं हमारी लिस्ट की फोर्थ बाइक के बारे में, तो यार वो बाइक होने वाली है होंडा हॉर्नेट 2.0। और यहाँ पर गाइस जो इस बाइक का इंजन है ना वो यार काफी रिफाइन है और आज की डेट में ये वाली जो बाइक है वो हमें टोटल 9 कलर्स में देखने को मिल जाती है। और जो इस बाइक का एक्शनरूम प्राइस है वो यहाँ पर 1,40,000 के आसपास का है। बाकी इस बाइक के इंजन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों 184.4 cc सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन इस बाइक में ऑफर किया हुआ है। और ये जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 17 PS के आसपास की मैक्सिमम पावर और आपको 15.9 न्यूटन मीटर के आसपास का मैक्सिमम टॉर्क आपको बाइक से देखने को मिलता है। बाकी ना इस बाइक में असिस्ट एंड स्लिपर क्लच भी दिया हुआ है, जो कि आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा यहाँ पर स्मूथ बना देता है। बाकी अगर बात करते हैं बाइक से मिलने वाली माइलेज की, तो ना आपको इस बाइक से आसानी से 45 किलोमीटर पर लीटर की जो माइलेज है वो देखने को मिलेगी। और जो बाइक की टॉप स्पीड है वो दोस्तों यहाँ पर 130 किलोमीटर पर आवर के आसपास की है। यहाँ पर बात करते हैं हमारी लिस्ट की फिफ्थ बाइक के बारे में, तो यार वो बाइक है हीरो स्ट्रीम 160R का नया मॉडल। तो यहाँ पर दोस्तों 4 वाल्व इंजन के साथ इस बाइक को भी हाल ही में लॉन्च किया गया और जो बाइक का एक्शनरूम प्राइस है वो है दोस्तों 1,36,500 रुपीज के आसपास। और यहाँ पर जो बाइक है वो यहाँ पर हमें टोटल 3 अलग अलग मॉडल में देखने को मिल जाती है और यहाँ पर 4 कलर आज की डेट में इस बाइक के इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ना, इस बाइक का टॉप वेरिएंट है जो कि दोस्तों यहाँ पर काफी प्रीमियम है। इसके अलावा इस बाइक के इंजन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 163.4
सीसी सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन इस बाइक में ऑफर किया हुआ है, जो कि प्रोड्यूस करता है 16.6 पीएस के आसपास की मैक्सिमम पावर और यहाँ पर 14.6 न्यूटन मीटर के आसपास का मैक्सिमम टॉर्क आपको बाइक में देखने को मिलता है। बाकी जो बाकी टॉप स्पीड है वो दोस्तों 120 किलोमीटर पर आवर के आसपास की और यहाँ पर जो माइलेज है वो आपको इस बाइक से देखने में मिलेगी 40 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की। तो गाइस ये थी कुछ टॉप 5 बाइक्स जो कि मुझे लगता है आपको इस साल परचेज करनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों इस दिवाली आप इनमें से कौन सी बाइक को परचेज करना प्रेफर करोगे तो ये आप हमें प्लीज कमेंट करके शेयर करना। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल गाड़ी स्टार्ट को सब्सक्राइब कर देना। तो यार चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।